अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा आज जो है मैं क्या बना रही हूँ, ज़ाहिर है आप सबके दिलों में ये सवाल जो है ये मचल रहा होगा, तो इस सवाल को इतना ना मचलाइए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। आज दोस्तों मैं आपको एक चिकन की रेसिपी बता रही हूँ। पाकिस्तानी फ्राइड चिकन है, बड़े मजे का चिकन होता है। आप अपने घर में इसको यूज कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, ऑफकोर्स बहुत मजे का लगता है। लेकिन अगर किसी दावत में आप रखना चाहते हैं स्पेशल पाकिस्तानी फ्राइड चिकन जो आप जनरली जो शादियों में खाते हैं, मोरलेस बिल्कुल करीब तरीन वही रेसिपी आपको मिलेगी, सवाए इसके कि वो जरा गंदा ज्यादा होता है, क्वांटिटी में फ्राई हो रहा होता है। हम उसको साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे। उसके अलावा दूसरी चीज जो मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको, वो मैं कीमे और अंडे की बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। बड़ी मजे की रेसिपी है और ये भी एक ऐसी प्रैक्टिकल रेसिपी है कि हर घर में कीमा मौजूद होता है और बहुत दफा समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चीज बनाए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो चपाती चोर होते हैं, ठीक है, जिनका दिल नहीं चाह रहा होता कि चपातियां पकाएं, चावल बनाने के शौकीन होते हैं ज्यादा, तो उनके लिए एक बहुत ही आइडियल रेसिपी है। क्योंकि बिरयानी की बिरयानी है, बचत की बचत है और कीमे का कीमा है। तो ये आज की रेसिपीज हैं। थोड़ा सा दही का रायता बनाएंगे और इन रेसिपीज को आपके लिए तैयार करेंगे। अच्छा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक हमें मैरिनेशन करनी है और वो मैरिनेशन जो है बेसिकली वो हमें चिकन के साथ करनी है। तो चूंकि चिकन के साथ मैरिनेशन करनी है तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास उस वक्त जनाब मौजूद और चिकन के मैंने 10 बड़े टुकड़े किए हुए हैं और इसको मैं मैरिनेट करूंगी। मतलब ये होगा कि मैं मैरिनेट करना आपको सिखाऊंगी और मैरिनेट करेंगे इसको आप लोग तकरीबन 2 घंटे के लिए अपने घर में, और उसके बाद हम इसकी स्टीमिंग करेंगे और स्टीम करके हम इसको फ्राई करेंगे। वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आपने क्या काम किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, और वो छोटा सा काम ये है कि हमारे पास यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है और ये पानी बॉयल हो रहा है चावलों के लिए, क्योंकि हमें तैयार करनी है कीमे की बिरयानी। तो मैं इस पानी में नमक डाल चुकी हूँ, तेजपात के 2 पत्ते डाल लेते हैं, हम जरा सा साबुत गरम मसाला डाल लेते हैं, दालचीनी, काली मिर्चें, कुछ लौंग, साथ में सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच थोड़ा सा, और पुदीना डाल लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें 1 हरी मिर्च भी डाल लेते हैं ताकि ये फ्लेवर जो है ये अरोमा साथ में जो है चावलों के आ जाए। और फिर हम ये करते हैं कि 3 कप पहले से भीगे हुए चावल मेरे पास मौजूद है, उनको हम इसमें डाल लेते हैं, इसको हम 3/4 पका लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बाद टाइम पकते जाएंगे और हम अब अपनी मैरिनेशन करते हैं, और मैरिनेशन कर रहे हैं हम मुर्गी की। बेसिकली इस रेसिपी को कहलाएगी ये पाकिस्तानी फ्राइड चिकन। सो पाकिस्तानी फ्राइड चिकन इसलिए कहेंगे हम क्योंकि इसमें सारे हमारे देसी मसाले हैं जिनके साथ हम इस रेसिपी को मैरिनेट कर रहे हैं, और ये एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया कि जैसे शादियों की चिकन होती है उस तरह का फ्लेवर होगा। और चावल इस वक्त हो रहे हैं, कुछ और देर में हो जाते हैं तो हम इसको नितार लेते हैं। और मीनवाइल मैं आपको रेसिपी जो बता रही थी पाकिस्तानी फ्राइड चिकन की, हम उसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी फ्राइड चिकन आप घर में कैसे बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, बेसिकली इसमें जो है असल फ्लेवर जो होता है वो जिंजर के साथ होता है, अदरक के साथ होता है, तो अदरक थोड़ी सी ज्यादा हम डालेंगे। एक जरूरी बात है कि फ्रेशली अदरक को जो है आप या तो ग्रेटेड डालेंगे यानी कद्दूकस की भी, या फिर उसकी पेस्ट जो है बिल्कुल ताजा अदरक की बनाएंगे, उससे फ्लेवर आएगा। 2 टीस्पून हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं कुटी हुई काली मिर्चें, ये भी हसबे जायका आप डालेंगे। जर्दे का रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून। उसके बाद कुटा हुआ जीरा सफेद और थोड़ा सा भुना हुआ ये, तो ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून हम डालेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्चें, और आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है, और नींबू का जूस, 2 नींबू का जूस हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों, और फिर इसको आप फ्रिज में डाल देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। मीनवाइल मैं चावल देख लूं, मुझे लग रहा है कि ये हो गए हैं। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ 3/4 हमने चावल पका लिए हैं, इसको हम ड्रेन करने के लिए रख देते हैं। हम चिकन को अब स्टीम होने के लिए डाल देते हैं, जो कि अभी मैंने आपके साथ मिलकर मैरिनेट किया है, यानी इसमें मैंने डाला है नमक, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, अदरक और नींबू का जूस। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, इसको मैं और नींबू का जूस चूंकि ज्यादा है उसी में 2 नींबू का जूस है, ये अब स्टीम हो जाएगा चिकन। 500 ग्राम मेरे पास कीमा मौजूद है और ये चिकन का कीमा है। अब मैं क्या करने लगी हूँ दोस्तों कि इस चिकन के कीमे के लिए जो है मुझे थोड़ी सी प्याज को ब्राउन करना था, तो वो मैंने पहले से कर लिया प्रोग्राम से शुरू होने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, बहुत ही बोरिंग काम हो जाता है प्याज को ब्राउन करना।
किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम के लिए, तो हम ये करते हैं कि हम अब सिंपली डालते हैं लहसुन और अदरक, दो टीस्पून लहसुन और एक चाय का चम्मच अदरक, ठीक है, और उस पे डालते हैं हम ये चिकन का कीमा। तो जनाब ये हमने इसको थोड़ा सा जो है फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने से ये फायदा होता है कि कीमे का अपना पानी सूख जाता है। अवल तो चिकन के कीमे में बहरहाल इतनी स्मेल नहीं होती है, लेकिन होता यह है कि फ्राई करने से उसका अपना पानी खुश्क हो जाता है, और फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं तो मसालों का रचाव जो होता है वो अच्छी तरह से हो जाता है। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं इसमें गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर शामिल है दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, थोड़ी सी जावित्री, ये साबुत गरम मसाले हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों नमक एक टीस्पून, आप लिखती जाइए साथ साथ, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें दो टीस्पून, या बिल्कुल आप हंसते जायका भी डाल सकते हैं। उसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि हम एक चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे एक कप दही का। अब पता है मैं क्या कह रही हूँ, इस बिरयानी में जो है दही का मसाला जो है इस्तेमाल होता है कीमे में, बट एट द सेम टाइम उसमें हम लेमन जूस जो है थोड़ा सा स्क्वीज कर रही हूँ मैं, क्योंकि नींबू डलता है इसके अंदर, दो नींबू का जूस हम डालेंगे, टमाटर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया नींबू का जूस, और अभी हम इसको डालते हैं, लेकिन हम इससे पहले जनाब डालने लगे हैं इसके अंदर आलू बुखारे सूखे, तकरीबन 6-7 अदद आप डालेंगे। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, और साथ में मैं आपको बताती चलूं कि अब इसमें और चीजें आपने क्या ऐड करनी है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो घरेलू इंग्रेडिएंट्स के साथ चीजें होती हैं, ये उन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है खाना बन रहा है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरा धनिया, और इसमें हम डालेंगे पुदीना भी दोस्तों, ठीक है। तो अबाउट हैंडफुल, यानी हाथ भर के धनिया और हाथ भर के हमने डाल दिया इसमें पुदीना। इसको डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं, और इसके अंदर 4 अदद प्याज हैं जिनको मैंने तल के रखा हुआ है पहले। तो ये जो 4 प्याज हैं इनमें से हम 2 प्याज अभी ऐड कर लेते हैं, और 2 हम चावलों के ऊपर जो है। तो अब हमारे हो गए मसाले पूरे, आपको नजर आ रहा होगा कि ये चिकन जो है इसको मैंने स्टीम कर लिया है, और चिकन स्टीम करके आपको अभी हमारा कैमरा दिखाएगा कि ये स्टीम इसकी लुक इस तरह से आ रही है। वाह वाह वाह, क्या स्टीम लुक आ रही है। 3 अंडों की सफेदियां हमें अब दरकार है इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए। ये हम निकाल लेते हैं इसमें से जर्दियां, और हमें चाहिए इसमें खाली अंडे की सफेदियां। जरा सा हम इसमें भी जर्दा रंग मिलाएंगे, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मिलाएंगे, बहुत जरा सा नमक डालेंगे, और इसको हम करेंगे बीट, और ये सफेदियों में डिप करके हमें इसको जो है डीप फ्राई करना है। तो ऐसा करते हैं कि आप चूल्हा जला लेते हैं, और तेल जो है गर्म होने के लिए रखते हैं, और चिकन को डीप फ्राई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कीमा जो है, दही का पानी अब इसमें खुश्क हो गया है, और डेफिनेटली आपको भी नजर आएगा अभी थोड़ी देर में। अब मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ, मैं इसमें ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 नींबू का जूस है वो आप डालेंगे इसमें। अब ये बहुत अच्छा सा हमारे पास कीमा भुन गया है। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें करनी है लेयरिंग। ये हमने जनाब एक तय बना ली है चावलों की, अब इसके ऊपर दोस्तों मैं डाल रही हूँ मसाला कीमे का। ठीक है, मैंने चिप्स जो है फ्राई करने के लिए रखे हैं आलू के, 4 आलू हैं और उनको काट के चिप्स हम बना रहे हैं, और हमने जो है फ्राई करने के लिए डाल दिए उनको। और ये चावल के साथ बेसिकली उबले हुए अंडे और चिप्स जो है जरूरी सर्व किए जाते हैं, उसी से फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ मैं ये करने लगी हूँ, अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं डाल रही हूँ इसमें जरा सा जर्दे का रंग, उसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ रूह केवड़ा 2 टीस्पून। अब जनाब हमारे पास ये जा रहा है दम के लिए, फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम ये करते हैं कि आलू निकाल लेते हैं, और अब हम चिकन को फ्राई करने के लिए रखने वाले हैं, और ये समझ लें कि इसकी गार्निशिंग समझ लें, या ये समझ लें कि ये इसके साथ एक एडिशनल थोड़ा सा उसका फ्लेवर जो है एनहांस करने के लिए हमें फ्राइज भी चाहिए होते हैं और उबले हुए अंडे भी चाहिए होते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मेरे पास गरम तेल है इसमें जनाब मैं मुर्गी फ्राई करने जा रही हूँ। अच्छा जी, अब चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है दोस्तों, तो ये जनाब कीमे की मजेदार किस्म की बिरयानी जो है तैयार है। अच्छा जी, वंस आपने बिरयानी निकाल ली अपने पास, अब क्या करेंगे हम ऐसे, और साथ में उबले हुए अंडे जो कि मैंने आपको बताया था कि आप इसकी गार्निशिंग समझ लें या आप
ये समझ लें कि ये एक जरूरी रेसिपी का जज है, इसके साथ इसको सर्व किया जाएगा। ये जनाब बिरयानी हो गई, ये हो गया जनाब हमारा चिकन, और एक फटाफट सा रायता जो है उसमें जनाब ये है कि आपने डालना है थोड़ा सा लहसुन, और साथ में आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें, और साथ में आप डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। तो मिंट हम चॉप करके इसमें डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी मजेदार किस्म की रेसिपीज जो है फाइनली तैयार हो गई हैं, और आप अपने घर में जरूर बनाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।